नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अन्य उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग टैली सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टैली ERP 9 का लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले मैंने 12 लेक्चर्स पे 12 वीडियोस दिए हुए हैं। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को के पहले जो मैंने वीडियोस दिए हुए हैं उसको देखें ताकि ये और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इसमें हम लोगों का आज का टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट एंड क्रेडिट नोट का यूज़ हम लोग करते हैं सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के लिए। दोस्तों, डेबिट नोट हमारा यूज़ होता है परचेज रिटर्न के लिए एंड क्रेडिट नोट यूज़ होता है हमारा सेल्स रिटर्न के लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परचेज एंड सेल्स रिटर्न का ही देखा था, लेकिन जर्नल वाउचर के द्वारा देखा था। दोस्तों, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की एंट्री हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक जर्नल वाउचर के माध्यम से, दूसरा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के माध्यम से। दोस्तों, रिटर्न के लिए डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का सेपरेट वाउचर हमारे टैली में दिया गया होता है। तो परचेज चूँकि डेबिट होता है इसलिए उसके लिए परचेज रिटर्न के लिए हम लोग डेबिट नोट यूज़ करते हैं। सेल्स क्रेडिट होता है इसलिए सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट यूज़ करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग टैली में चलते हैं और इसको देखते हैं। दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, ये स्टार्टिंग से हम लोग ये सब देख चुके हैं। अकाउंट ग्रुप हो चुका है, डेट वाइज एंट्री हो चुकी है, वर्किंग ऑन इन्वेंट्री हो चुका है, परचेज सेल्स रिटर्न हो चुका है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको हम लोग टैली में देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट नाम की कंपनी हमने बना रखी है और इस कंपनी में हमने पहले से कुछ लेजर्स भी बना रखे हैं। दोस्तों, ये हमने इसमें लेजर्स बना रखे हैं, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, ये लेजर हमने बना रखे हैं कैपिटल अकाउंट में। कैश तो पहले से ही रहता है, कैश इन हैंड। बैंक अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही रहता है। परचेज अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। और दोस्तों, इसके अलावा पार्टी के लेजर भी होने चाहिए हमारे पास, रिटर्न कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास पार्टी के लेजर होने चाहिए। तो आइए लेजर क्रिएट कर लेते हैं पार्टी का। यहाँ पे मिस्टर ABC सन्ड्री क्रेडिटर, इनसे हम सामान खरीदेंगे। मिस्टर XYZ सन्ड्री डेबिटर, इनको हम सामान बेचेंगे, इनसे पेमेंट रिसीव होगा। दोस्तों, ये हमने एंट्रीज कर दी। इसके बाद बाहर आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोग वाउचर एंट्री में चलते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और वाउचर एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारा रिसिप्ट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा 5 लाख रुपए, कैश डेबिट हो जाएगा हमारा। दोस्तों, बैंक डिपॉजिट कॉन्ट्रा में जाएंगे F4 प्रेस करके, और यहाँ से बैंक डिपॉजिट हमें करना है तो कैश क्रेडिट होगा 2 लाख रुपए और बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। बैंक ये हमारा डेबिट हो गया। दोस्तों, ये डिटेल्स आ गई। दोस्तों, अगर कहीं पे प्रोफेशनल हम वर्क कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहा है, ये सारी डिटेल्स हमें एंटर करना पड़ता है, अदरवाइज इसको हम एंटर करके स्किप कर जाते हैं। बैंक विड्रॉल करना है दोस्तों, बैंक विड्रॉल में बैंक क्रेडिट होगा 50,000 रुपये। कंट्रोल ए करिए, ये स्किप हो जाएगा, और यहाँ पे हमने कैश ले ली, ये हमारा बैंक विड्रॉल की एंट्री हो गई। अब दोस्तों, हमें परचेज में जाना है और परचेज करना है। यहाँ से F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे दोस्तों, परचेज में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमने दे दिया परचेज का ऑर्डर नंबर 1, डेट हो गया
और यहाँ पे पार्टी नेम में हम ले लेंगे पार्टी का नाम जिससे हम परचेज करें, मिस्टर एबीसी। कंट्रोल ए करेंगे, ये स्क्रीन हमारी स्किप हो जाएगी, परचेज नेम ऑफ आइटम। अब दोस्तों यहाँ पे आइए हम लोग एक बार अपना असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा असाइनमेंट नंबर 8 है, असाइनमेंट नंबर 8। इसमें कैपिटल अकाउंट है, बैंक डिपॉजिट है, बैंक विड्रॉल है, परचेज है, सेल्स है। अब दोस्तों परचेज सेल्स का ये जो एंट्री हुआ है आपका, ये जो एंट्री हुई है दोस्तों आपकी परचेज और सेल्स की, इसकी एंट्री हमें नहीं करनी है। इसकी जगह पे हमें अकाउंट विद इन्वेंट्री वाली एंट्री करनी है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है गारमेंट्स का इधर ग्रुप बना हुआ है और होम अप्लायंसेस का ग्रुप बना हुआ है और ये हमारी इन्वेंट्रीज बनी हुई हैं। ये क्लोथ 500 मीटर, टी शर्ट 1000 मीटर पीस, कुकर 50 पीस, गैस चूल्हा 50 पीस, ये हम परचेज कर रहे हैं मिस्टर एबीसी से। इसके बाद दोस्तों इसी को हम लोग सेल करेंगे मिस्टर एक्स वाई जेड को। यहाँ पे दोस्तों ये मिस्टर एक्स वाई जेड हैं, इनको हम लोग सेल करेंगे क्लोथ, टी शर्ट, कुकर और गैस चूल्हा। और दोस्तों इसमें सेल्स रिटर्न दिया हुआ है गैस चूल्हा 10 पीस एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस 700 रुपये के रेट से, एंड परचेज रिटर्न दिया हुआ है वापस गैस चूल्हा 10 पीस एट द रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस 500 रुपये के रेट से। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का यूज़ हम लोग करेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के माध्यम से। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जनरल वाउचर के माध्यम से किया था, लेकिन इसमें डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का सेपरेट वाउचर होता है जो कि प्रॉपर तरीके से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए ही यूज़ होता है। तो दोस्तों परचेज चूँकि हमारा डेबिट होता है इसलिए परचेज रिटर्न के लिए हम लोग डेबिट नोट, और सेल्स क्रेडिट होता है इसलिए सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग टैली में चलते हैं और इसको चेक करते हैं हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे करेंगे। दोस्तों ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग परचेज करेंगे क्लॉथ 500 मीटर 200 रुपीज पर मीटर के रेट से, टी शर्ट 1000 पीस 400 रुपीज पर पीस के रेट से, और हमारे पास कुकर है, कुकर हम लोग परचेज करेंगे 50 पीस 1500 रुपये के रेट से। इसके बाद हमारे पास गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा परचेज करेंगे दोस्तों 50 पीस और ये 500 के रेट से हमने परचेज कर ली। दोस्तों ये 6 लाख का अमाउंट हो रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 6 लाख का अमाउंट है, ये हमने पूरा इतना सामान परचेज किया। अब इसके बाद इसको सेल करेंगे दोस्तों, सेल करने के लिए हम F8 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स नंबर रेफरेंस नंबर लिख देते हैं SL001, एंटर। पार्टी नेम हमने ले लिया मिस्टर एक्स वाई जेड और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको स्किप कर जाएंगे। सेल्स पे गए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दोस्तों सेल करना है हमें। दोस्तों यहाँ पे गए सेल्स पे, क्लोथ 450 मीटर, टी शर्ट 800 मीटर, यहाँ पे क्लोथ 450 मीटर 300 रुपये के रेट से, टी शर्ट 800 मीटर 600 रुपये के रेट से, गैस चूल्हा 50 पीस 700 रुपये के रेट से, और कुकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग
कुकर बेचेंगे 50 पीस और 1700 रुपए के रेट से। ये दोस्तों 7,35,000 का हमारा सेलिंग हो गया। यहाँ पे देखिए 7,35,000, इसको एंटर करके हम लोग सेव कर देंगे। ये हमारा सेलर परचेज हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और यहाँ पे F11 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, कंपनी चूज करने के बाद एंटर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को दोस्तों हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। ये यस हो जाएगा। एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद अगेन हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे दोस्तों और यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो हमारा डेबिट नोट आएगा जो कि पर्चे रिटर्न के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे तो हमारा क्रेडिट नोट आएगा जो कि सेल्स रिटर्न के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स रिटर्न करेंगे दोस्तों। दोस्तों पहले हम लोग सेल्स रिटर्न करेंगे ताकि जो सामान हमने बेचा है उसकी कुछ रिजेक्शन, अगर हमारे पास कुछ वापस आ रहा है रिटर्न होके, तो सेल्स रिटर्न पहले आएगा, उसके बाद उसी को हम उठा के जहाँ से हमने ख़रीदा है उसको रिटर्न कर देंगे, वो हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा दोस्तों। तो पहले क्रेडिट नोट यूज़ करेंगे जो कि सेल्स रिटर्न के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने ले लिया SR सेल्स रिटर्न 01। एंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न हमको कौन कर रहा है, मिस्टर XYZ हमें रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए XYZ पार्टी क्रेडिट होगी और सेल्स रिटर्न हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट होगा। एंटर करेंगे, एंटर कर दीजिए दोस्तों। ये अमाउंट, कितने अमाउंट का रिटर्न हो रहा है ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ से देखना होगा। ये गैस चूल्हा 10 पीस है 700 रुपीज के रेट से, तो ये 7,000 का अमाउंट रिटर्न होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 10 में हम लोग 7,000 एंटर कर देते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट रिफरेंस होगा, जो सेल्स अमाउंट है उसमें से हमारा एडजस्ट हो जाएगा, इतना हमें नहीं देना होगा। बाद में जब हम इस पार्टी से पेमेंट लेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा। ये 7,000 अमाउंट हम लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसका वो सामान रिटर्न कर दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेजर यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट साइड में सेल्स रिटर्न लेजर हमने नहीं बनाया हुआ है, तो यहीं से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C शॉर्टकट की प्रेस करेंगे दोस्तों, ये हमारा सेकेंडरी लेजर क्रिएशन आ जाता है। और यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न का बना लेते हैं। सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में होगा। एंटर करेंगे। अभी दोस्तों नेम ऑफ आइटम पूछने लगा, क्या रिटर्न हो रहा है हमारा वहां से। दोस्तों हमारा रिटर्न हो रहा है गैस चूल्हा। दोस्तों यहाँ पे गैस चूल्हा ले लेंगे हम, 10 पीस रिटर्न हो रहा है 700 के रेट से, क्योंकि इसी रेट में हमने बेचा था, तो 700 के रेट से रिटर्न होगा। एंटर करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस जगह पे एडजस्ट रिफरेंस ही होगा जब हम रिटर्न कर रहे हैं तब, क्योंकि पुराने जो हमारे पास बचा हुआ है डिटेल्स उसी में हम एडजस्ट कर रहे हैं। जो हमने सामान खरीदा था, सामान जो हमने बेचा था, जब रिटर्न वापस हमारे पास आ रहा है तो उसी के अमाउंट में से एडजस्ट हो रहा है। एंटर करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब आइए एक बार स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी यहाँ पे गए, एंटर करेंगे दोस्तों, डिटेल करिए, Alt+F1। यहाँ पे देखिए होम अप्लायंसेस में गैस चूल्हा 10 पीस हमारे स्टॉक में रिटर्न होके आ चुका है,
जबकि हमने पूरा बेस दिया था। तो दोस्तों बाहर आएंगे, अब इसको वापस जिससे हमने ख़रीदा था उसके पास रिटर्न कर देंगे। अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब हम करेंगे दोस्तों डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। ये कंट्रोल F9 होगा, डेबिट नोट आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम ले लेते हैं PR01 और यहाँ से हमने ख़रीदा था ABC से, तो ABC अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्तों। और ये कितने का था अमाउंट हमारा, ये हमारा 10 पीस है गैस चूल्हा 500 रुपये के रेट से, तो 5000 का हो गया। एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट रिफरेंस होगा। एंटर एंटर और यहाँ से हम लोग ले लेंगे परचेज। दोस्तों यहाँ पे परचेज रिटर्न का भी लेजर नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी करेंगे और सेकेंडरी लेजर क्रिएशन में चले गए। परचेज रिटर्न का लेजर बना लिया, परचेज अकाउंट में होगा ये हमारा नेम ऑफ आइटम गैस चूल्हा 10 पीस 500 के रेट से, ये देखिए अपने आप आ गया। एंटर करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। दोस्तों ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री हो गई। अब आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं स्टॉक समरी में। यहाँ पे देखिए गारमेंट्स हमारे पास बचा हुआ है जो कि स्टॉक में था, और अप्लायंसेस होम अप्लायंसेस में जो हमारे पास रिटर्न होके आया था वो वापस हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटर्न कर दी जिससे हमने लिया था। दोस्तों ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट होता है। डेबुक में अगर हम चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जाएंगे और डेबुक में जाएंगे, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एंटर करेंगे और ऑल्ट प्लस F1 करके डिटेल्स चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 6 लाख का हमारा परचेज हुआ था, इसमें से 5000 रुपये रिटर्न हो गया, माइनस में शो कर रहा है। 5,95,000 का टोटल परचेज हुआ हमारा, और यहाँ पे 7,35,000 का सेल हुआ था जिसमें से 7000 रुपये रिटर्न हो चुका है, तो टोटल में 7,28,000 का हमारा सेल हुआ। और ये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस है, हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में। दोस्तों रिटर्न हमेशा माइनस में शो करता है, अगर माइनस में नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ गलती है, फिर उसे आपको ठीक करना होगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।